ओके, लास्ट वीडियो में हम लोग रेक्टिफायर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है क्लिपर्स। क्लिपर्स क्या होते हैं? हमारे पास रेक्टिफायर्स में हम लोग एसी से डीसी का कन्वर्जन देखते थे, मतलब हमारे पास एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होती थी, एक नेगेटिव हाफ साइकिल होती थी। हम उसे रेक्टिफायर से निकालते थे तो हमें सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल्स मिलती थी, नेगेटिव हाफ साइकिल गायब हो जाती थी। उस नेगेटिव हाफ साइकिल का गायब हो जाना इज क्लिपिंग, ठीक है? या तो नेगेटिव हाफ साइकिल गायब होगी उसको क्लिपिंग नेगेटिव क्लिपर बोलेंगे, या फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल गायब हो जाएगी उसको पॉजिटिव क्लिपर्स बोलेंगे। मतलब इट इज डिपेंडिंग अपॉन द आउटपुट वेवफॉर्म कि क्लिपर या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। इसके अलावा भी बेसिस है क्लिपर्स को क्लासिफाई करने के, लाइक क्लिपर अगर डायोड आउटपुट के साथ सीरीज में है तो क्लिपर सीरीज क्लिपर कहलाएगा, और अगर डायोड आउटपुट के साथ में शंट में है, पैरेलल में है, तो उसको हम शंट क्लिपर सर्किट बोलेंगे। ये दो और हमारे पास क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन हमारे पास में है जिसमें बायस्ड और अनबायस्ड को हम डिस्कस करते हैं। बायसिंग क्या है? अगर मैं इस सर्किट को एक एक्स्ट्रा डीसी सप्लाई दे दूं, एक्स्ट्रा डीसी सप्लाई मतलब या तो सीरीज में या फिर शंट में, सीरीज में या फिर इसके सीरीज में और इसके शंट में, अलग अलग जो भी कॉम्बिनेशन आप सोच सकते हैं कोई सा भी इसमें काम करेगा। अच्छी चीज ये है कि हमें रटना नहीं पड़ेगा सर्किट, चाहे इसके लिए 16 बने 18 बने, हमें रटने की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन समझ में आएगा तो वेवफॉर्म बनेगी। अगर वोल्टेज दी गई तो बायस सर्किट बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें यहाँ वोल्टेज लगा दूं सीरीज में, एक बैटरी लगा दूं, तो ये बायस्ड सीरीज क्लिपर हो जाएगा। और जैसे भी ये वेवफॉर्म देगा, भी ये कैसी वेवफॉर्म देने वाला है, नेगेटिव क्लिपिंग करेगा तो नेगेटिव क्लिपर हो जाएगा सीरीज और बायस्ड। अगर बैटरी नहीं है, जैसा कि अभी तक यहां पर नहीं है, तो ये अनबायस्ड सीरीज नेगेटिव क्लिपर है, ठीक है? नेगेटिव पॉजिटिव इस बात पर डिपेंड करता है कि आउटपुट वेवफॉर्म में कौन सी वेवफॉर्म क्लिप हो गई, नेगेटिव हाफ क्लिप हुआ या पॉजिटिव हाफ क्लिप हुआ। तो ये तो हुआ क्लिपर क्या होते हैं, ठीक है? क्लिपर्स का सर्किट कैसा दिखाई देगा और वेवफॉर्म कैसी बनेगी उसको हम लोग समझ लेते हैं। शुरू करते हैं। वी इन, मैंने कहा एक कोई इनपुट वोल्टेज है जो कि साइनसोइडल वेवफॉर्म में है। साइनसोइडल वेवफॉर्म मतलब एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, और ऐसे वेवफॉर्म आगे चलेगी। ये एक साइकिल यहाँ कंप्लीट होती है, ठीक है? ऐसी दो साइकिल हमने ली है जस्ट टू लर्न विद ईज, है ना? इंटरनल रेजिस्टेंस है वोल्टेज सोर्स के साथ में ताकि एक करंट ड्रॉ हो। हम सभी जानते हैं करंट सोर्स इज इक्वल टू अ वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद रेजिस्टेंस। ऐसा हमने कैसे कहा, एक वोल्टेज सोर्स एक रेजिस्टेंस ही एक करंट ड्रॉ करा सकती है, अदरवाइज देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एक्टिव करंट सोर्सेस, ठीक है? डायोड है हमारे पास में, जो भी करंट यहां से निकलेगा वो उस डायोड को या तो फॉरवर्ड बायस करेगा या फिर रिवर्स बायस करेगा। तो डायोड का ऑपरेशन डिसाइड करेगा। अगर ये रिवर्स बायस हुई तो ये ओपन सर्किट हो जाएगी, अगर ये ओपन सर्किट हो गई तो यहां पर कोई करंट नहीं जाएगा, है ना? वही चीज डिसाइड होने वाली है। देखते हैं Vin, अगर पॉजिटिव हाफ है, जो पहला इनपुट आया पॉजिटिव हाफ, पॉजिटिव के लिए डायोड का पीक इस तरफ है, आप लोग सभी याद रख सकते हैं। दिस इज डायोड का पॉजिटिव, दिस इज डायोड का नेगेटिव। पॉजिटिव से पॉजिटिव गया तो फॉरवर्ड बायस हुआ तो डायोड कंडक्ट करेगी, डायोड कंडक्ट करेगी तो ये शॉर्ट सर्किट का काम करेगा। डायोड का कंडक्ट करना या डायोड का शॉर्ट सर्किट हो जाना है सेम थिंग, मतलब ये डायोड अपनी जगह एक शॉर्ट सर्किट पाथ छोड़ देगी, सिंपल पाथ लाइक दिस। इस डायोड को इससे रिप्लेस कर सकते हैं, दिस इज शॉर्ट सर्किट पाथ, ठीक है? अब जितना भी करंट आएगा एज इट इज लोड में जाएगा, इस रेजिस्टेंस में जाएगा, जो लोड रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस में ड्रॉप कराएगा, वो ड्रॉप को ही हमने प्लस और माइनस वी नॉट बोला है। वी नॉट की पोलैरिटी प्लस माइनस सेम है, और अभी जो इनपुट आया है उसका पॉजिटिव पहले आया है, मतलब उसकी पोलैरिटी सेम है, ठीक है? तो जो हाफ हमारे पास गया था इनपुट पे वो एज इट इज पास हो गया आउटपुट पे। ये हमारा पहला आउटपुट बनना शुरू हुआ, वेवफॉर्म बननी शुरू हुई। अभी मैं क्या बोलता हूं, जैसे ही नेगेटिव हाफ आएगा, ये वाला हाफ आएगा, इस नेगेटिव हाफ के लिए ये पोलैरिटीज होंगी, ठीक है? ये नेगेटिव हाफ आया तो इसने डायोड को रिवर्स बायस किया। अब अगर डायोड रिवर्स बायस होती है तो उस केस में डायोड विल एक्ट एज ओपन सर्किट, मतलब ये रेजिस्टेंस ऐसे आएगी और उसके बाद यहां कोई कनेक्शन नहीं होगा, डायोड विल बिहेव एज ओपन सर्किट। अगर डायोड ओपन सर्किट बिहेव करती है तो कंडक्शन नहीं होगा, कंडक्शन नहीं होगा तो कोई भी करंट इस लोड रेजिस्टेंस में नहीं जाएगा। अगर करंट नहीं जाएगा तो जीरो इंटू आर इज इक्वल टू वी नॉट,
v नॉट की कोई वैल्यू नहीं होगी, v नॉट विल बी जीरो, तो v नॉट विल बी जीरो। अगेन पॉजिटिव हाफ, सेम प्रोसीजर, पॉजिटिव हाफ, अगेन फॉर नेगेटिव हाफ इट इज जीरो। तो ये वेव फॉर्म मिली मुझे आउटपुट में, मैं यहां से देखकर समझ सकता हूं कि नेगेटिव हाफ जो है वो क्लिप हो गया है ना, नेगेटिव हाफ क्लिप हो गया। नेगेटिव हाफ क्लिप होने के फायदे क्या है, हमें अपनी आउटपुट वेव फॉर्म मिल गई है किसके लिए, सीरीज नेगेटिव क्लिपर्स के लिए। ये सीरीज नेगेटिव क्लिपर है, ठीक है, इसके लिए हमें आउटपुट वेव फॉर्म मिल गई। सर हमने रेक्टिफायर बड़े ध्यान से पढ़ा था, सर हमने हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा है और हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर भी यही वेव फॉर्म आई थी, तो ऐसा इसलिए क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर भी सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव क्लिपर सर्किट होता है। यही डायग्राम बनाया था इससे पहले भी है ना, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस शायद नहीं रही होगी, बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती, सिर्फ इतना समझाने के लिए है कि वोल्टेज सोर्स से कोई करंट निकलेगा इधर इन प्रेजेंस ऑफ डायोड और इन एब्सेंस ऑफ डायोड, ठीक है। सीरीज में तो अगर ये ओपन सर्किट हो गया तो कोई करंट आगे नहीं जा रहा, लेकिन अगर यहाँ ये ओपन सर्किट हो जाएगा तो करंट का तो आगे जाना बनता है ना, ठीक। तो ये मेरी वेवफॉर्म बनी सीरीज नेगेटिव क्लिपर के लिए, नेगेटिव हाफ क्लिप हो गया। सर शंट कनेक्शन और देख लेते हैं, शंट सर्किट के अंदर इनपुट वोल्टेज है, सीरीज में रेजिस्टेंस है ताकि कोई करंट निकले, हमारे पास एक डायोड है जो कि पैरेलल लगाई गई है लोड रेजिस्टेंस के, ठीक है। यहां से जो इनपुट आएगा ऑब्वियसली साइनसोइडल वेवफॉर्म होगी, पहले प्लस देन माइनस, तो मैं पहले प्लस हाफ की बात कर लेता हूं। प्लस हाफ जो आएगा वो इस डायोड को, डायोड का पॉजिटिव नीचे नेगेटिव ऊपर होगा, इस डायोड को रिवर्स बायस करेगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, डायोड रिवर्स बायस होगी तो ओपन सर्किट हो जाएगी। अगर ये ब्रांच ओपन सर्किट होगी तो देयर इज नो पैरेलल पाथ टू द लोड रेजिस्टेंस, समझो। अगर ये डायोड ओपन सर्किट हो जाती है मतलब कनेक्शन सर्किट से खत्म हो जाता है, अभी अंदर कैसे भी पड़ी रहे हमारे किसी मतलब की नहीं है, जो भी करंट आएगा एज इट इज आउटपुट में जाएगा, एज इट इज आउटपुट में जाने वाला करंट आई इंटू ये वाला लोड रेजिस्टेंस आर एल एक ड्रॉप कराएगा जो कि वी नॉट के बराबर होगा, समझ में आ रहा है। फर्स्ट हाफ पॉजिटिव आया उसने इसको रिवर्स बायस कर दिया तो इसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई, एज इट इज सारा सप्लाई जो है वो आउटपुट में जाता है और वो आउटपुट वी नॉट बनता है एज इट इज जाता है, इस बात को भी ध्यान रखना। तो जो पॉजिटिव हाफ आई वो एज इट इज आउटपुट तक पहुंच गई, सही है। इसके बाद मैं दूसरी बात करता हूं, क्या जब ये नेगेटिव हाफ से कनेक्ट होगा तो क्या होगा, मतलब अगर नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तब क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव डायोड को फॉरवर्ड बायस करेगा, डायोड जब फॉरवर्ड बायस होगी तो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगी। एक शॉर्ट सर्किट पाथ अगर किसी रेजिस्टेंस पाथ के पैरेलल आ जाता है तो हमने पढ़ा है कि करंट विल फॉलो द मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ और जीरो रेजिस्टेंस पाथ आइडियली। जितना करंट इससे निकलेगा जो सप्लाई इस टर्मिनल तक जाएगी वो लोड तक जाएगी नहीं, वापस इधर आएगी क्योंकि शॉर्ट सर्किट पाथ में और वापस चली जाएगी। तो डायोड में क्या पहुंचा, जीरो, नथिंग, दैट नथिंग करंट मल्टीप्लाइड बाय सम रेजिस्टेंस विल बी नथिंग वोल्टेज। नेगेटिव हाफ के लिए हमें कोई आउटपुट नहीं मिला, अगली बार फिर से पॉजिटिव हाफ आएगा तो सेम प्रोसीजर के थ्रू हमें वेवफॉर्म एज इट इज आउटपुट पे मिलेगी, और जब नेगेटिव हाफ में आएगा तो जीरो आउटपुट मिलेगा। तो ये वेवफॉर्म और ये वेवफॉर्म बिल्कुल सेम है, मतलब सर्किट हमारा क्लिपर सर्किट सीरीज में हो या शंट में हो आउटपुट वेवफॉर्म सेम रहेगी। तो ये आपके पास दो तरह के सीरीज और शंट में लगे हुए अनबायस्ड क्लिपर सर्किट्स हैं जो कि नेगेटिव वेवफॉर्म देते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या कवर हो जाता है, सीरीज नेगेटिव अनबायस्ड क्लिपर्स, शंट नेगेटिव अनबायस्ड क्लिपर्स। अब बायसिंग क्या होती है मैं वो आपको समझा देता हूं, आपको इजीली समझ में आएगा। लाइक एक वोल्टेज ऐड करनी है, एक डीसी बैटरी ऐड करनी है, कई तरह से हो सकती है, किसी एक एग्जांपल को हम लोग समझ लेते हैं, सिर्फ हमें ऑपरेशन पे ध्यान देना है। अगर ऑपरेशन समझ में आया तो बहुत इजीली हम बायसिंग अनबायसिंग वाले सर्किट्स का आउटपुट वेवफॉर्म बना पाएंगे। तो इस बैटरी वोल्टेज के लिए देख लेते हैं, हमने एक डीसी बैटरी लगाई है जिसका नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव नीचे है, इसका नेगेटिव ऊपर होना इस डायोड को बाय डिफॉल्ट रिवर्स बायस करता है ना? अगर कोई एक्स्ट्रा डीसी वोल्टेज हमारे पास है तो वो भी तो फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस कर सकती है। तो इस डायोड का नेगेटिव इज ऑलरेडी रिवर्स बायसिंग द डायोड। अगर ऐसा होता है, मान लीजिए वोल्टेज वी है, ये जो वी है ये इतनी
इफेक्टिव है इस वी इन से ज्यादा है कि ये इस डायोड को अगर ज्यादा होगी तो ये इस डायोड को रिवर्स बायस करेगी। अगर वी इन वी से ज्यादा है तो फिर डिपेंड करेगा कि वी इन का पॉजिटिव हाफ आया है या नेगेटिव। पॉजिटिव हाफ आएगा तो रिवर्स बायस, नेगेटिव हाफ आएगा तो फॉरवर्ड बायस। इस तरीके से इनकी बायसिंग होगी। आउटपुट वेवफॉर्म सर्किट वही है तो लगभग वही रहेगी। इसमें डिफरेंस क्या आएगा कि जब तक वी इन वी को क्रॉस नहीं कर लेगा तब तक वी इन इसके इफेक्ट को क्रॉस ओवर, क्रॉस या बाईपास नहीं कर सकता है। इसका इफेक्ट है रिवर्स बायस कराना। जब ये रिवर्स बायस होता था तो हमें पॉजिटिव हाफ एज इट इज मिलती थी। बैटरी मिलने से पहले तक हमें इस सर्किट के लिए ये वेवफॉर्म मिला था, ठीक है। अब जब तक इनपुट वोल्टेज इस अमाउंट ऑफ वोल्टेज को एक्सीड नहीं करेगी तो उसको बाईपास नहीं कर सकती इसके इफेक्ट को, है ना। इसका इफेक्ट भी सपोर्ट करता है इस वेवफॉर्म को, लेकिन वी विद नेगेटिव साइन। पूछेंगे आप नेगेटिव साइन क्यों, बाय डिफॉल्ट पोलैरिटी पॉजिटिव नेगेटिव है इनपुट वोल्टेज की, उससे अपोजिट हमारे पास में ये एक्सटर्नली अप्लाइड वोल्टेज है तो अपोजिट है तो हम इसका नेगेटिव साइन लेकर चलते हैं। नेगेटिव साइन मतलब अगर मान लूं कहीं यहां वी है माइनस वी, ठीक है। इस माइनस वी से जब तक वी नॉट ज्यादा है तब तक वी नॉट अपने ऑपरेशन को कंडक्ट करवाएगा। अगर वी इन वी से कम हो गया तो ये ऑपरेशन जो है ये फिर वी के हिसाब से चलेगा, समझ रहे हो। तो अब हमारे पास वेवफॉर्म क्लिप तो होगी, लेकिन वी इन के हिसाब से होगी। समझे, मतलब जो ये V क्या था, तब तक ये V नहीं था तब तक हमें आउटपुट वेवफॉर्म क्या मिल रही थी, पॉजिटिव हाफ। मतलब V वॉज जीरो, जब तक V जीरो था तो जीरो एक्सिस पर हमें उससे ऊपर के लिए हमें पॉजिटिव हाफ आउटपुट मिलता था, नेगेटिव क्लिप हो जाता था। अभी उसने बोला कि इसको सपोर्ट करने के लिए, इस डायोड को सपोर्ट करने के लिए देयर इज अ मैग्नीट्यूड V, नेगेटिव V है तो नेगेटिव V बनाया, उससे ऊपर की वैल्यूज हमें आउटपुट देंगी, उससे नीचे की वैल्यूज के लिए हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये बेसिक पैरेलल नेगेटिव क्लिपर सर्किट है जो कि बायस्ड कंडीशन के लिए ऐसा वेवफॉर्म देता है। समझ में आया। तो हमें बेसिकली ऑपरेशन समझना है, सर्किट के अंदर सीरीज है या शंट है, एक्सटर्नली अप्लाइड वोल्टेज जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव लगाई गई है, पॉजिटिव नेगेटिव लगाई गई है। सीरीज में अगर लगाएंगे तो यहां लगाएंगे या तो इसके साथ सेम पोलैरिटी या अपोजिट पोलैरिटी लगाएंगे। सिर्फ एक ही फंडा है जो इसका वेवफॉर्म डिसाइड करेगा कि ऑपरेशन को सपोर्ट करता है एक्सटर्नली अप्लाइड वोल्टेज या उसके अगेंस्ट जाता है। अगर सपोर्ट करता है जब तक इनपुट वोल्टेज की वैल्यू को सपोर्ट करेगा, मतलब बीम की वैल्यू ग्रेटर देन अप्लाइड एक्सटर्नली वोल्टेज होगी तब तक ऑपरेशन मिलेगा, और जैसे ही उससे नीचे वैल्यू जाएंगी तो ऑपरेशन नहीं मिलेगा। ऐसे ही माइनस वी की जगह अगर पॉजिटिव वी रहा होता और ये वी यहां पर आता, यहां पर ये अगर इसकी वैल्यूज रही होती तो हमें आउटपुट क्या मिलता, ये आउटपुट मिलता और बाकी इसके नीचे कुछ नहीं मिलता। समझ रहे हैं। तो वेवफॉर्म इज डिपेंडिंग अपॉन हमारी बायसिंग क्या है, और बायसिंग से ज्यादा इनपुट वोल्टेज के लिए ऑपरेशन एज इट इज वेवफॉर्म में देता है। इजी टू अंडरस्टैंड टॉपिक है, इजी टू अंडरस्टैंड ऑपरेशन है। ये हमारे क्लिपर्स हैं, नेगेटिव क्लिपर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पॉजिटिव क्लिपर्स पढ़ेंगे।